ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की लेटेस्ट पास पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे ENG 518 के मिड टर्म के लेटेस्ट पास पेपर्स के क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की टाइप्स आपने बतानी होंगी। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिच पैराडाइम, रिच पैराडाइम की करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा सब कैटेगरीज ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की सब कैटेगरीज। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वार्ड क्वेश्चंस, वार्ड क्वेश्चंस की करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है कि फिर डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स, डेटा गैदरिंग का जो प्रोसीजर है उसके बारे में। उसके बाद ये कि एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ रिसर्च, जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट्स है रिसर्च का। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स जो है ELT रिसर्च की। और उसके बाद ये कि डिस्कस करें हिस्ट्री को और मैच्योरेशन को एज एक्सट्रेनियस फैक्टर के तौर पे। उसके बाद ये कि डेटाबेसिस अवेलेबल इन लाइब्रेरीज फॉर लोकेटिंग प्राइमरी रिसर्च। और उसके अलावा ये कि लिखें कोई भी मेजर, तीन मेजर टाइप्स वेरिएबल्स की। उसके बाद ये कि व्हाट्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है ये बताएं। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा रोल जो है इंटरनेट का फॉर कंडक्शन ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च करने के लिए जो इंटरनेट का रोल है। उसके बाद ये कि फाइव करेक्टरिस्टिक्स जो डिस्कशंस की। तो इस तरह से पेपर था। और आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इसके आंसर्स आपको हैंडआउट से मिल जाएंगे। कोशिश की जाएगी इसके आंसर्स आपसे शेयर किए जाए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।